बिस्मान रहीम मेरा नामा इम्तियाज है और हमारा आज का लेक्चर बेस करता है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन पर जो कि हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स का एक बहुत ही अहम फैक्टर है जो कि आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ए एसोसिएट डिग्री जिसके लिए हम ये लेक्चर लॉन्च कर रहे हैं उसकी बेसिक्स का आगाज ही अगर हम कहें या टेक्सटाइल डिजाइन या किसी भी आर्ट फॉर्म का आगाज अगर हम कहें तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की बुनियाद पर तमाम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की एम्फोसिस स्टार्ट होता है अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि जितने भी सब्जेक्ट्स के अंदर अहम पॉइंट्स या अहम पिलर्स डेवलप होते हैं वो इन्हीं प्रिंसिपल ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की बुनियाद पर सेलेक्ट होते हैं बहरहाल आप आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा इस वक्त आप देख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट सबसे पहले जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं so, उसमें है सबसे पहले लाइन द मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ आर्ट इट कैन बी टू प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन इट कैन बी टू प्रिंसिपल टू डी पेंसिल और पेन वर्क ऑन पेपर और थ्री डी वायर डायरेक्शन एंड मूवमेंट लाइन के अंदर थिकनेस भी होती है लाइन की एक डायरेक्शन होती है इसमें मूवमेंट होती है और ये थ्री डी सर्फेस के ऊपर एक टू डी पार्ट से डिवेलप किया हुआ एक एलिमेंट है दे कैन बी इंटरप्टेड एंड कैन शो इमोशन इनक ऑफ आर्ट लाइन के अंदर अगर मैं आपको आगे एग्जाम्पल्स दूंगी पिक्चर्स की तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा होगा कि लाइन की कितनी फॉर्म्स है और लाइन की शक्लें कैसी होती हैं लाइन कुड भी कर्विकल लाइन कुड भी स्ट्रेट लाइन कुड भी हॉरिजोंटल लाइन कुड भी वर्टिकल लाइन कुड भी जिक्जैक्ट लाइन कुड भी कैलॉग्राफिक लाइन लाइन कुड भी एराबेस्ट लाइन लाइन की बहुत फॉर्म्स है और इसका आगाज होता है एक डॉट से शेप मैन लाइन अराउंडल्फ इट बिकम्स अ शेप

टू डी के अंदर आप सिंपल स्क्वायर लेंगे लेकिन जब वो थ्री डी होगी तो वो क्यूब बन जाएगी आप टू डी के अंदर एक ट्राइंगल लेंगे लेकिन जब वो थ्री डी में जाएगा तो वो एक पैरामेट बन जाएगा आप सर्कल लेते हैं टू डी में लेकिन जब थ्री डी में जाएंगे तो वो स्क्वेयर बन जाएगा दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हमें डेवेलप करनी है किसी भी आर्ट फॉर्म में शेप को देखने के लिए कलर दिस एलिमेंट हैज थ्री मेन प्रॉपर्टीज नंबर वन ह्यू नंबर टू वैल्यू नंबर थ्री इंटेंसिटी एक कलर की सिंपली द नेम ऑफ द कलर यानी रेड ग्रीन और ऑरेंज इसको हम ह्यू बोलते हैं पहला टिंट ह्यू यानी एक बेसिक कलर वैल्यू हाउ लाइट और हाउ डार्क दैट कलर कुड बी यानी इट कुड बी लाइट ऑरेंज इट कुड बी लाइट रेड इट कुड बी लाइट ग्रीन इट कुड बी इन अ लाइट टेंट By adding white, but intensity, how bright and dull a color appears. यानी yani एक color के अंदर डार्क टोन्स एड करने के बाद ये कितना डार्क हो सकता है दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर सो वन मस्ट अंडरस्टैंड जब आप कलर के बारे में पढ़ते हैं तो आपको उसकी तीन बेसिक वैल्यूज को अंडरस्टैंड करना है बेसिक कलर यू शुड नो द लाइटेस्ट इन शुड यू शुड नो एंड लाउडेस्ट इन यू शुड नो वैल्यू see is illuminated, lit by a light source, and without illumination, we see nothing.

एक होता है इम्प्लॉयड जो क्रिएटेड बाय द आर्टिस्ट एंड विजुअली शो टेक्सचर इन अ वर्क ऑफ आर्ट ये एक होता है हाथ से लगाने से महसूस होने वाला टेक्सचर आप किसी भी जूते के सरफेस को हाथ लगाते हैं टेक्सचर फील होता है आप इसी दिव...

स्पेस कैन बी यूज इन बोथ टू डी थ्री डी वर्क ऑफ आर्ट जब हम दो इमेजेस को डेवलप करते हैं दो पॉट्स को डेवलप करते हैं तो उनके दरमियान में एक फासला डालते हैं एक इमेजरी डेवलप करते हैं टू डी सर्फिस के ऊपर थ्री डी फासला देते हैं किसी चीज को तो उसको कहते हैं स्पेस फॉर्म दिस इज द्री डी क्वालिटी ऑफ अ शेप क्यूब्स

आपको अगर एक अच्छी पेंटिंग बनानी है तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ आर्ट आपको इन सब को पढ़ना होगा और देखना होगा अगली स्क्रीन पर आपके सामने हमने थोड़े से इमेजरी डाली है ताकि आपको आइडिया हो जाएगा और ये वो डेफिनेशंस है जो कि आपके पेपर में आ सकती हैं सो यू हैव टू लर्न दीज डेफिनेशंस बाय हार्ट Line. A line is a path made by a moving point through space and it is two-dimensional and can vary in width, direction, and length. We am already discussed that you the lines to form a in the center. The the link Shape. Shape are the flat, enclosed areas. There are two-dimensional length of height. Artists use both geometric and organic shapes. You different forms of shapes. We have shown lights and darks. Color. Color could be like.

हमने पढ़ी शेप जो कि टू डी जिसमें टू डी फ्लैट होता है जोमेट्रिक स्क्वायर सर्कल ओ ओवल ट्राइंगल ऑर्गेनिक एंड ऑल ओवर शेप फॉर्म हमने पढ़ी थ्री डी फॉर्म जिसके अंदर थ्री डायमेंशनल है जोमेट्रिक क्यूब स्क्वायर ऑर्गेनिक एंड ऑल अदर फॉर्म सच एस पीपल एनिमल टेबल्स चेयर्स ये सब थ्री डी फॉर्म्स में आती हैं Para redefine to the wavelength of the line and its the temperature warm and cool, just can kind the of cool colours or light colours or dark colors or in key value and in intensity in key hues, texture, the feel, the appearance, the thickness, and the stickness of the surface. For example, smooth, rough, silky, and furry. Space, the area, animal uh, between within or between the images and the parts of an image that reduces the positive and the negative spaces. आप देख लीजिए आपके इमेजरी में बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा वैल्यू, ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई है अब ये वो टूल्स थे किस तरह से हम अपने टेक्सचर्स, लाइन फॉर्म शेप कलर टेक्सचर स्पेस वैल्यू इन सबको किस किस जगह देख सकते हैं कैसे यूज कर सकते हैं कैसे इमेजरी डेवलप कर सकते हैं

प्लेसनेस ऑफ कंट्रास्ट एंड कलर एंड साइज एंड प्रोपोर्शन एंड रिलेटेड रिलेटेड टू द फोकल पॉइंट आप देखें आपको इम्फोसिस तो वहां नजर आ रहा है जहां रेड पॉइंट है क्यों क्योंकि आपने पूरी जगह ब्लैक सेम कलर में कर दी एक जगह को लाइट किया खुद भाँ, खुद वहां कलर की आपकी नजर सीधी रेड पे जाके पड़ रही है डिस्ट आपको इन चीजों को देखना बेहद जरूरी है आप अपना डिजाइन बनाएंगे आपके डिजाइन में कुछ कंट्रास्ट होना चाहिए आपके डिजाइन में लाइन शेप कलर फॉर्म और टेक्स्टर का इम्पैक्ट आना चाहिए बैलेंस अ फीलिंग ऑफ बैलेंस रिजल्ट वेन द एलिमेंट ऑफ डिजाइन आर अरेज सिस्टमैटिकली और एनी सिमेट्रिकली टू क्रिएट द improved impression of regularity in weight or importance isi tarah proportion scale the relationship between objects with respect to size number and so on including the relation between parts of a whole अब scale और proportions develop करते हैं relationship के साथ आपने बड़ा और छोटे का imagery कैसे develop करनी है या आपकी उस emphasis के ऊपर develop करता है जो आपने proportion और scale के अंदर दी है harmony the arrangement of elements to give the viewer

एक जगह पे जाके कोई एक चीज ब्रेक होती है और फिर उसके बाद नया काम उसको कहते हैं रिदम यानी मूवमेंट के अंदर कहीं एक जगह एक हल्का सा जो पॉज आता है उसको रिदम बोलते हैं आपके डिजाइन में बहुत सारी चीजें चल रही है पर अचानक एक जगह लहर सी आ गई है वो रिदम था आप एक सीधी लाइन लगा रही हो और अचानक आपने एक लहर डाल दिया एक वेव डाल दिया वो रिदम था आप जा रही है उसके अंदर आपने तीन चार पांच रेड डॉट दोबारा ब्लैक डाल दिया है ये रिदम था। आप में बहुत सारे बंदे खड़े खड़ेमी मूवमेंट के अंदर एक लम्हे का पॉज देना रिदम कहलाता है आपके आगे आपको नजर आ रहा होगा डिफरेंट एग्जांपल्स को हमने चार्ट डेवलप किया हुआ जिसके अंदर लाइन आपको नजर आ रही होगी आगे आपको उस लाइन में मूवमेंट नजर आ रही है फिर आपको उसी लाइन से एक एम्फोसिस डिवेलप होता हुआ नजर आ रहा है फिर उसी से आपको यूनिटी डिवेलप होती हुई नजर आ रही है सिमिलरली शेप में देखें बैलेंस आप, आप देख सकते हैं आप शेप के अंदर आपने बैलेंस किया है अ है फिर आपने उसे पैटर्न डेवलप कर दिया है फिर आपने उसी तरह आगे कंट्रास्ट में उन वर्ड्स के साथ एक कंट्रास्ट डेवलप कर दिया है फिर आपने एक शेप डिवेलप कर दिया है फिर आपने एक इम्फोसिस डिवेलप किया है सिमिलरली फिर आपने यूनिटी दिखाई है यानी सिमिलर मूवमेंट ऑफ डिजाइन इसी तरह स्पेस में आपने दूर की स्पेस और नजदीक की स्पेस का एक कॉन्सेप्ट दिया है दूर और नजदीक का फिर आपने एक मूवमेंट दिखा दिया बैलेंस किया पहले आपने फिर आपने उसी तरह स्पेस के अंदर आपने मूवमेंट दिखाई है फिर आप स्पेस के साथ आगे देखे आपको पैटर्न नजर आ रहा होगा तो इसके अंदर व्हाइट और ब्लैक स्पेस के साथ आपने कंट्रास्ट प्ले किया है फिर इसी तरह व्हाइट अगेंस्ट डार्क डार्क अगेंस्ट ब्लैक आपने कॉन्ट्रास्ट डिवेलप किया है फिर आपने सिमिलरली एक रिदम डिवेलप किया है जैसे बिल्डिंग्स खड़ी हुई है लेकिन एक जगह पे सीधे हाथ वाली बिल्डिंग आपको नजर आ रही होगी क्योंकि उसकी एज चेंज है आपका खुद ब खुद रिदम डेवलप हो गया बात मैंने आपको कही थी सीधी हर हाँ चीज जा रही है उसमें एक चीज थोड़ी सी टेढ़ी होगी वो रिदम होगा इम्फोसिस आपका इम्फोसिस हाथों पर था आपने हाथों को ज्यादा तवज्जो से बनाया आपकी यूनिटी डिवेलप करने आप, आपने सेम कलर का इस्तेमाल किया है दिस इज समथिंग दैट मैटर्स फ्रॉम द एग्जाम्पल यू कैन सी द एग्जाम्पल्स एंड मेक दम अंडरस्टैंड इट विल हेल्प यू अलॉट इट विल हेल्प यू अलॉट आप फॉर्म देखें आपने थ्री डी फॉर्म बनाई है क्यूब्स बनाए हैं उनको आपने बैलेंस किया है आपने फॉर्म के अंदर मूवमेंट दिखाई है क्यूब्स के थ्रू मूवमेंट डिवेलप किया है फिर आपने उसी फॉर्म क्यूब्स के थ्रू एक पैटर्न डिवेलप करके दिखाया है फिर आपने उसमें कंट्रास्ट डिवेलप करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स रख दिए अचानक सामने फिर आपने रिदम दिखाया तो आपने डार्क कलर के क्यूब्स रख दिए लाइट कलर के क्यूब्स रख दिए जहां जहां लाइट एंड डार्क आ रहे हैं वो रिदम है इसी तरह इंफोसिस के लिए आपने दूर का एक छोटा सर्कल बनाया आगे आपने एक बड़ा सर्कल बनाया ये एक का काउंटर आपकी पहली नजर बड़े स्पॉट पे जाती है उसके बाद आप छोटे स्पॉट की तरफ जाते हैं दिस इज कॉल्ड इम्फोसिस हमने यूनिटी दिखाने के लिए एक ही तरह के तीन इमेजरीज को इकट्ठा कंपाउंड कर दिया है दिस इज कॉल्ड यूनिटी सिमिलरली कलर में आ जाए आपने कलर में बैलेंस डिवेलप करने के लिए लाल रंग के चार इमेजरीज बनाई और बैलेंसिंग द होल शीट सिमिलरली आपने कलर के थ्रू मूवमेंट डिवेलप किया तो आपने फैंस बनाए हैं और वो हैंड फैन ऊपर नीचे इमेजरी देखिए आपने एक मूवमेंट डिवेलप कर दिया है आपको मूव होता हुआ इमेज फील हो रहा है आपने पैटर्न डिवेल्प किया कलर्स के साथ ट्राइंगल की फॉर्म्स में फिर आपने कंट्रास्ट डिवेलप किया आपने रेड अगेंस्ट के साथ ऑरेंज खड़ा कर दिया और उनके कंट्रास्टिंग कलर्स को ऐड कर दिया तो आपको कंट्रास्ट की इमेजरी आ रही है आपने रिदम डिवेलप किया उसके अंदर आपने रेड के अंदर ब्लू डाल दिया है आपको इम्फोसिस देना था आपने एक पत्ता ग्रीन कर दिया है आपने यूनिटी दिखानी थी अपने उन पत्तों से एक बहुत बड़ी इमेजरी वाली एक पेंटिंग साथ लगा दिया है दिस इज समिंग दैट यू हैव टू सी ये आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी आप पढ़ेंगे मैं जो जो एग्जाम्पल्स बता रही हूँ उनको गौर से देखे आपको समझ आती जाएगी कि मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ वैल्यू आपने बैलेंस के थ्रू लाइन में एक वैल्यू डिवेलप किया फिर आप मूवमेंट में आए तो आपने पेंसिल में डिफरेंट इमेजरीज के साथ आपने इमेज डिवेलप किया जिसमें आपको मूवमेंट महसूस हो रही है लाइट्स एंड डार्कस के थ्रू जैसे इंटेंसिटी वैल्यू और ह्यू की हमने बात की थी फिर आप पैटर्न में आ गए तो आपने कुछ सॉफ्ट लाइन वाली मछलियां बताई हैं, कुछ आपने डार्केस्ट मछलियां बनाई हैं लाइट की इंटेंसिटी के चेंज होने की वजह से आपकी नजर मूव कर रही है आप एक पैटर्न डिवेलप कर चुके हैं कंट्रास्ट आपने लाइटेस्ट अगेंस्ट डार्क एंड डार्क अगेंस्ट लाइट की इमेजरी को यूज करते हुए वैल्यू और इंटेंसिटी और ह्यूज को यूज करते हुए कंट्रास्टिंग इमेज किया किया आपने रिदम लाइंस के अंदर फिर आपने एम्फोसिस देने के लिए एक ब्लैक स्पॉट लगा दिया है जो एकदम आप एम्फोसिस उस ब्लैक स्पॉट के ऊपर आपका पहला नजर वहां जा रही है हमने यूनिटी डिवेलप करनी थी आपने पेंसिल में लाइट्स एंड डार्क के साथ एक यूनाइटेड सिमिलर इमेजरीज को यूज करते हुए इमेज डिवेलप किया है टेक्सचर देखें आप आपको नजर आ रहा होगा कि आपने पथरीली सी जमीन वाली जगह बनाई है आप आगे देखें आपको मूवमेंट के साथ डिफरेंट लाइंस का इस्तेमाल नजर आ रहा है आपको लाइट्स एंड डार्क्स के साथ एक पैटर्न नजर आ रहा है क्यूब्स का आपको कंट्रास्ट में एक पत्ते के ऊपर पानी फेंका हुआ है लेकिन कलर कंट्रास्ट की वजह से प्रोमिनेट लाइट्स एंड डार्क्स के ह्यूज नजर आ रहे हैं आपको रिदम में आपने रिदम डाला था आपने एक उसका स्टार्ट शुरू किया तो आपको वो फूल का स्टार्ट जो बेसिक इंटरेस्ट है आपको वो नजर आ रहा है आपको इम्फोसिस नजर आ रहा है येलो कलर के साथ आपको यूनिटी नजर आ रही है उन तमाम बेसिक कलर्स के इस्तेमाल के साथ दैट मैटर्स अलॉट आप देखना शुरू करें यू हैव टू एग्जांपल्स जो मैंने आपको चार्ट की आगे की एक्टिविटी पकड़ाई है यू विल मेक योर ओन एग्जांपल्स एंड देन यूलोड योर असाइनमेंट विद इन टू डेज आगे देखिए जी मैंने आपके लिए निकाले हैं एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन दिस इज दिस मैटर दिस मैटर

A distribution of value weight on either side of the vertical axis. Symmetrical balance uses the same characteristics. Asymmetrical uses different but equally weighted texture. This is I have Contrast. The arrangement of opposite elements light versus dark, rough versus smooth, small versus large, etc. is the composition so as to create the visual interest. Similarly,

the eye move through the composition leading the attention of the viewer from one escape to aspect to the other work of art can create the illusion of action similarly aapko ek movement on colors ke through pattern the repetition of specific visual elements such as the value, unit of space, shape and form a method used to be organized surfaces in a consistent regular manner Rhythm, regular repetition of or alternation in elements to create the cohesiveness and interest. Unity. Visually pleasing agreement among the elements in design. It is the feeling that everything in the work of art works together and looks like it fits. Emphasis the colors ke. Hai, colors ke now, this is it. I'm giving you the activity. activity agle mein You have to draw. सर्टेन साइज साइज एक चार्ट लेना है आपको ए इमेज डेवलप करना है जिसके अंदर आप एक तमाम एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जो है वो मुझे डिफरेंट फॉर्म्स में ये एक एग्जांपल है ये इससे डिफरेंट होना चाहिए कोई बच्चा इनको रिपीट नहीं करने वाला और आपने उसके अंदर अपना काम दिखाना है सिमिलरली आपने एक्टिविटी uh, करनी है राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड डिजाइन इन द टेबल फॉर्म जैसे मैंने टेबल्स आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दिखाई हैं और आपको एग्जांपल्स दिखानी है उसके अंदर पिक्चर्स के थ्रू और आपने मुझे विद इन टू डेज ये अपना वर्क ऑफ आर्ट सबमिट कराना है थैंक यू सो मच फॉर टूडे इट दिस इज इट वी लव द वर्क इट वॉज एक्सेलेंट टूडे एंड आई होप सो क्या एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की एलिमेंट्स का बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप एंड इट विल हेल्प यू अलॉट Thank you so much. Fiyamanillah.